हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल राधा माधव कलेक्शन। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे राधे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम कान्हा जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन समर स्पेशल ड्रेस बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं कान्हा जी को ये ड्रेस पहनाकर दिखाती हूँ। यहाँ मैंने कान्हा जी को ले लिया है, ये 4 नंबर के कान्हा जी हैं और ये पोशाक आप 4, 5 और 6 नंबर के कान्हा जी को पहना सकते हैं। तो अब हमें ऐसे ड्रेस पहनानी है। ये जो चोली है ये पीछे की तरफ से एक्स्ट्रा चोली हम सेट कर लेंगे। और अगर आप 5 नंबर के कान्हा जी को ड्रेस पहना रहे हैं, आप थोड़ा सा नीचे रख सकते हैं चोली को, जैसे कि नेपी परफेक्ट आए। और 6 नंबर के कान्हा जी के लिए आप थोड़ा और नीचे की तरफ से या फिर ऐसे डायरेक्ट देखिए गले से डालकर भी ड्रेस पहना सकते हैं। तो मैं 4 नंबर के कान्हा जी को पहना रही हूँ, इसलिए पीछे की तरफ से एक्स्ट्रा चोली हम रखेंगे और आगे से ये नेपी ले जाएंगे। एकदम परफेक्टली देखिए कमर पर ये सेट हो गई है। और अब हमने ये जो डोरी लगाई है इसको हम आगे लाकर बांध लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कान्हा जी को ये सुंदर सी ड्रेस पहनाई है और आप देख सकते हैं हमारे कान्हा जी इस ड्रेस को पहनकर कितने अच्छे लग रहे हैं। इसका लुक बहुत अच्छा है और मैंने एकदम सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना और कान्हा जी को पहनाना भी बताया है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप भी आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकेंगे। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है adikulturalvault268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत खूबसूरत सी कान्हा जी की न्यू डिजाइन समर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए मैंने देखिए यहाँ पे कॉटन के फैब्रिक में से एक लंबा सा पीस कट कर लिया है। मैंने कॉटन का कपड़ा यूज़ किया है क्योंकि हम कान्हा जी की समर स्पेशल ड्रेस बना रहे हैं और गर्मियों में कॉटन के कपड़े से बनी हुई ड्रेसेस कान्हा जी के लिए बहुत ज़्यादा आरामदायक रहती हैं। पर आप चाहें तो इसकी जगह पर कोई भी अस्तर का कपड़ा या रेयन का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम कपड़े की लंबाई देखेंगे। इसकी देखिए यहाँ से लास्ट तक जो टोटल लंबाई है वो मैंने 24 इंच यानी कि 24 इंच रखी है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 3.5 इंच यानी कि 3.5 इंच रखी है। अब हमें कपड़े को पलटकर पीछे की तरफ से रखना है और दो तरफ से हम डबल फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो हमें एक बार मोड़ना है फिर एक बार और मोड़ना है, ऐसे डबल फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगानी है दोनों किनारे से। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों ही तरफ से डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा ली है। अब ऊपर की तरफ से यानी कि एक साइड से हमें फिर से डबल फोल्ड करके सिलाई लगानी है। नीचे से हम वैसे ही छोड़ देंगे, सिर्फ ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हमें इसमें प्लेट्स डालनी है। तो देखिए थोड़ी सी जगह किनारे से हम छोड़ेंगे, फिर कपड़े को दोनों तरफ से फोल्ड करके ऐसे पहली प्लेट डालेंगे। हमें इस बात का ध्यान रखना है दोनों तरफ से ये बराबर होना चाहिए। और इसके बाद हम फिर से कपड़े को पकड़कर फोल्ड करेंगे और जो हमने पहली प्लेट बनाई है उसके ऊपर हम दूसरी प्लेट रखेंगे। फिर से हमें कपड़े को फोल्ड करना है और दूसरी प्लेट के ऊपर हम तीसरी प्लेट रखेंगे। इस तरीके से प्लेट्स डालते हुए हमें एकदम सेंटर से सिलाई लगानी है। हमें इस बात का ध्यान रखना है दोनों तरफ से प्लेट्स बराबर हों और बहुत ज़्यादा गैपिंग मैं नहीं दे रही हूँ। देखिए थोड़ी थोड़ी सी गैपिंग देते हुए मैं इन प्लेट्स को सेट कर रही हूँ इस तरीके से। ऐसे ही हमें सेंटर से सिलाई लगानी है। मैंने 4-5 प्लेट डाल लिए हैं। आप चाहे तो एक एक प्लेट डालते हुए भी सिलाई लगा सकते हैं। एकदम बीचों बीच में हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद अब देखिए आगे भी हमें ऐसे ही प्लेट्स डालते जाना है। मैंने सुई को अंदर की तरफ डाल के रखा है जिससे कि कपड़ा यहीं पे लॉक रहेगा, इधर उधर खिसकेगा नहीं और हमें प्लेट्स डालने में आसानी रहेगी।
तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने प्लेट्स डालते हुए सेंटर में सिलाई लगा ली है और अब इसका लुक कुछ ऐसे आ जाएगा। नीचे की तरफ से मैंने लगभग 1 इंच की जगह प्लेन छोड़ दी है क्योंकि यहाँ पे हमें डोरी लगानी है। अब हम इसको पलटकर पीछे की तरफ से रखेंगे और नीचे से एकदम पतला सा एक बार फोल्ड करेंगे। फिर मैंने गोल्डन कलर की रेडीमेड डोरी में से एक पीस कट कर लिया है। आप चाहें तो खुद से डोरी बनाकर भी लगा सकते हैं। फिर हमें एक बार और फोल्ड करना है और सिलाई लगाकर डोरी यहीं पर ज्वाइंट कर लेनी है। सिलाई लगाकर मैंने देखे यहाँ पे डोरी भी ज्वाइंट कर ली है। अब मैं आपको इसकी यहाँ से यहाँ तक की टोटल लंबाई बता देती हूँ। तो देखिए, इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लंबाई है वो 4.5 इंच यानी कि 4.5 इंच मैंने रखी है। अब हमें इसमें लेस लगानी है और लेस से ही हम चोली भी बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे ये व्हाइट कलर की थ्रेड लेस ले ली है। आप देख सकते हैं ये कितनी सुंदर लेस है, मार्केट में आपको बहुत ही इजीली मिल जाएगी और काफ़ी कम दाम में भी मिलती है, 2 से 3 रुपए मीटर आती है। और ये जो थ्रेड लेस होती है ना, ये किसी भी कलर के फैब्रिक के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन देती है। अब मैं आपको इसकी भी टोटल लंबाई बताती हूँ। तो मैंने देखिए इसकी जो टोटल लंबाई है वो 13 इंच यानी कि 13 इंच रखी है। अब हमें ड्रेस में थ्रेड लेस लगानी है तो क्या करेंगे, किनारे की तरफ से ये जो कटिंग वाली साइड है यहां से हम इसको फोल्ड करेंगे और ऐसे नीचे रखते हुए सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो हमें एकदम ऊपर तक सिलाई नहीं लगानी है, सिर्फ यहां तक सिलाई लगानी है। ऊपर से थोड़ी सी जगह हम अभी खुली छोड़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ तक सिलाई लगा ली है, ऊपर से थोड़ी सी जगह खुली छोड़ दी है। अब ऊपर से हमें ये ऐसे फोल्ड करना है। ये देखिए, लेस को हम ऐसे करके फोल्ड करेंगे, इधर किनारे से भी हल्का सा मोड़ेंगे। यहाँ पे जो हमने खुली जगह छोड़ी थी, यहाँ सेंटर में ऐसे हम नीचे से ये वाला पीस रखेंगे और उसके ऊपर से ये वाला रखेंगे इस तरीके से। और अब इसको ज्वाइंट करेंगे। सिलाई लगाकर चोली ज्वाइंट करने के बाद अब कान्हा जी की ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।